All right, my dear Insanians. आज का ब्लॉग अभी से नहीं, कल रात की स्ट्रगल से शुरू हुआ था। देखिए, अरे यार, कौन सा खाऊं? ये वाला। मैंने सुना था कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मेहनत का फल बटर कुकीज, वाह! थैंक यू आंटी। आपको कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच, इस तरह से हमने ये नाम दिया हमारे फैमिली को, इंसेनियन। इसे आपने एक्सेप्ट किया और कई सारे मैसेजेस मुझे भेजे, कमेंट किया और बताया कि ये नाम अच्छा लग रहा है, उसके लिए थैंक यू। और ये जो हमारा रिवाज हमने कल से जो शुरू किया, ये हम एक दो अच्छे अच्छे कमेंट्स हम व्लॉग के शुरुआत में पढ़ेंगे। तो कुछ कमेंट्स मुझे आए, बहुत अच्छे कमेंट्स थे, मैं पढ़ना चाहूंगा और दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। शिवम बागदी कहते हैं कि जैकी भाई, आप ऐसे पहले यूट्यूबर हो मेरे लिए जिसके कमेंट बॉक्स में कुछ भी अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देना मुझे अच्छा लगता है। यू आर सो गुड ब्रो, सब सही है ब्रो। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। वैसे इस नाम को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, अपनाने के लिए, और फिर से एक और बार थैंक यू कहना चाहता हूँ। मानता हूँ बहुत बार ये थैंक यू वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरी जो खुशी है ना, मैं कैसे बयान करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बताया, मुझे दो सिस्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक छोटा भाई भी होना चाहिए था, लेकिन अब अपनी YouTube फैमिली के थ्रू कई सारे भाई मुझे मिल गए। कम ऑन यार, नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी पहले छोटी सी इतनी सी फैमिली थी, और मैं जब देखता था फिल्में हम साथ आते हैं, हम आपके हैं कौन, ऐसा लगता था कि ऐसी बड़ी सी फैमिली होनी चाहिए थी। हम साथ आते हैं, हम आपके हैं कौन सुन के मुझे ऐसा पुराने जमाने का मत समझ लेना, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ यार, मतलब फैमिली को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता हूँ, है दिल में, है वो चीज़ें, है तो है, क्या कहते हैं। यहाँ पे बैठा हूँ ना, बाकी सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि लड़का पागल तो नहीं हो गया है। Insanians, इनको क्या पता हम लोग पागल थोड़ी, हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, क्या कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में एक आंटी बहुत फेमस हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या कि वो बच्चों के रूम पे काम करने जाती हूँ, तो आंटी के हो गए थे लड़कों के ऊपर 1800 रुपए। तो लड़कों ने उसको क्या किया कि 500-500 के तीन नोट दिया, 200 के एक नोट और 100 के एक नोट। आंटी मानने को ही तैयार नहीं कि 1800 है, बच्चे बोल रहे कि आंटी हमने आपको 1800 दिए, तो आंटी बोलती है नहीं, आपने 1500 दिए और वो 200 के एक नोट, 100 के एक नोट, मतलब 1500-300 दिए, लेकिन 1800 नहीं दिए। 1500 होता, 200 ची एक नोट होती आणि 100 ची एक नोट होती। 500 ची तीन नोटा दिला ते मी कबूल कर, 1500 300 रुपये दिले होते, 1500 300। 1800 द्यायला पाहिजे ना, मग 1800 दिले ना। तो दोनों के बीच में ऐसी बहस हो रही है, लड़का बोल रहा है कि भाई कैलकुलेटर ला, आंटी बोलते इसमें का मुझे कुछ नहीं समझता, मुझे मेरे 1500 रुपए चाहिए। लड़के बोल रहे आंटी हमने आपको 1800 दिए, 1500 और 300 मतलब 1800। आंटी को समझ में नहीं आ रहा, और ये कॉन्वर्सेशन इतना हिलेरियस हो गया है कि अभी ये महाराष्ट्र में ऐसा वायरल हो रहा है। खैर, मतलब कभी कभी ना लोगों को समझाना इतना मुश्किल हो जाता है, कैसा हुआ होगा, मतलब 1500 और वो 300, 1800 हो रहा है, लेकिन वो आंटी मानने को तैयार नहीं, आंटी को 1800 रुपए चाहिए, 1500 और 300 नहीं, 1800। आंटी को क्या मिलेगा, आश ग्रैंड सलूट, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये जो ब्लैक टी देख रहे हैं ये पापा की, हमारे लिए दूसरे टी बनेगी, लेकिन पापा ब्लैक टी पी रहे हैं। अब ये बनी हम लोगों की चाय। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल द इंसेनियंस, घर पे एक ही जगह है मेरी व्लॉग करने की, जहाँ पे मैं अपने रूम में बैठ के व्लॉग करता हूँ। बाकी घर पे अगर व्लॉग करता हूँ तो पापा कहते हैं कि बेटा आप व्लॉगिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जरा हमारा भी ख्याल रखो, जब आप व्लॉगिंग करते हो हमें बोलते हो कि थोड़ा शांत रहो, तो घर पे इतनी शांति रखना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम बाहर आ जाते हैं व्लॉगिंग करने। बाकी मम्मी के हाथ की चाय ना दुनिया की सबसे टेस्टी चाय होती है, आपकी मम्मी के हाथ की बोलो, मेरी मम्मी के हाथ की बोलो, मम्मी के हाथ क्या जादू होता है ऐसा। अगर कोई मम्मी हमें देख रही होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके हाथों में क्या ऐसी चीज होती है जिसके वजह से हर एक चीज टेस्टी हो जाती है, चाहे वो खाना हो, ब्रेकफास्ट हो, चाय हो, गर्म पानी हो, कुछ भी। ज्यादा हो गया ना, गर्म पानी टेस्टी, लेकिन क्या करें, माँ के हाथ का जादू कुछ अलग ही होता है। आज मेरी मम्मी तो एकदम खुश हो जाएगी, मेरे बेटे ने व्लॉग में मेरी तारीफ कर दी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे प्यार को समझ नहीं पा।
मेरे जो छोटे छोटे इंसेनियंस है जो हमेशा यहाँ पे मटर गश्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, आज एक भी नहीं दिख रहा यार। मतलब हो क्या गया, मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा और व्लॉग में क्या दिखाऊंगा मैं आज अपने आपको? दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट जैकी। हाउ, वेयर आर माय इंसेनियंस? कम ऑन, कहाँ हो? आजकल लोग मुझे पागल समझने लग गए। क्या करते रहता है ये कैमरे के साथ? शूट करेगा क्या? करूंगा। कैसा करना है मतलब? अच्छा लग रहा हूँ सही में? अच्छा लग रहा हूँ। हाय, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शेरू है। हाय शेरू, हाउ आर यू? अंगड़ाई ले रहा हूँ। अंगड़ाई? अंगड़ाई ले, अंगड़ाई ले। खाना खाया क्या? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। क्यों खाना नहीं खाया? ऐसे ही जाओ, उधर बोर मत कर। बोर मत कर। ओके। शेरू को गुस्सा आ गया। शेरू नाम है उसका। बहुत दिनों बाद अपने मोमो के साथ फिर से एक और बार राइड पे आते हुए, क्योंकि बारिश आ रही थी और बारिश में क्या होता है कि स्केटबोर्ड्स के जो बेयरिंग होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अभी मोमो के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जब भी मोमो के साथ राइड करता हूँ बहुत ही फ्रीडम वाली फीलिंग आती है, मतलब एकदम मैं खुश हो जाता हूँ। मोमो इज ऑसम यार, ऑसम। आप नागपुर में तो कभी आइए, मोमो के साथ अब ऐसे राइड अपन शेयर कर सकते हैं, ठीक है? मोमो के साथ फ्रीडम। ऑलराइट, तो दिस इज डिनर टाइम और डिनर पे बना है ज्वारी की रोटी और बेसन। महाराष्ट्र में ये खाया जाता है, आप बहुत टेस्टी होता है, मतलब दिखाता हूँ मैं। दिस इज ज्वारी की रोटी एंड दिस इज बेसन। और अगर इसके साथ प्याज काट के नहीं खाना है, ऐसा मुट्ठी से फोड़ना है और फिर खाना है। एक्चुअली प्याज को काट के खाओ उसका अलग टेस्ट आता है, अगर आप मुट्ठी से ऐसा तोड़ोगे उसका टेस्ट ब्लेंड हो जाता है। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, भूख भी बहुत जोर से लगी है, तो खाना खाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। भाई खाना खा के मजा आ गया, तृप्त हो गया आज आपका जैकी। तो चलिए अब इस खाने के बाद बहुत सारे काम है। काम ये है कि सबसे पहले ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एडिट करने का है, फिर सोने का है, फिर उठने का है, फिर और वीडियो बनाने का है। तो ये तो लाइफ चलती रहेगी, लेकिन इस लाइफ में कुछ लोग जब हमसे जुड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, और वो आप है। एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। तब तक कहना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, टेंशन नहीं लेने का, दिल पे हाथ रखने का और बोलने का पावर ऑफ नहीं बोलने का, सब सही है ब्रो बोलने का। Adios, amigos, bye bye। अपने आप पावर ऑफ कैसे हो गया? कल मिलते हैं। Power on, Bluetooth mode. ये था, bye bye।